তোকে দেব না বঘর বাড়ি আমি তোকে तो दोस्तों बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह पुरुलिया न्यू ट्रेनिंग सॉन्ग में स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सिंपल है इस तरह स्टेटस को बनाना, तो आप भी खुद का फोटो लगा के कुछ इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसे वीडियो पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिन जो यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है पर आ जाना, और जो सॉन्ग बीट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है ये सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद दोस्तों इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना होगा आप लोगों को, देख सकते हो जो बीट है ये बीट के हिसाब से लिरिक्स ऐड करना पड़ेगा। और देखो शुरू में कुछ इस तरह मैं इफेक्ट ऐड करके रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आना होगा। और जिस फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा, तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और जिस फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो मैं दिखाने के लिए ये वाला फोटो को ऐड कर लिया हूँ, तो ऐसा करके फोटो को फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों एक बार मतलब ये जो लेयर है ये लेयर को एकदम एंड तक ले आना, देखो कुछ इस तरह कर दिया, एकदम एंड तक ले आना। उसके बाद फिर से फास्ट में आ जाना, फास्ट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना और ये वाला रेक्ट एंगल को ऐड कर लेना। ऐसे करके फुल स्क्रीन करना है, कलर ऑप्शन में आना, ये वाला ऑप्शन को टच करना, ब्लैक डॉट को नीचे व्हाइट डॉट के ऊपर कुछ इस तरह एडिट करना है। इस तरह एडिट करने के बाद यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना, मिडिल वाला ऑप्शन को टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और एक बार बैक करना है, एकदम एंड में आ जाना और ये ऑप्शन को टच कर देना, तो एकदम एंड तक आ जाएगा ये ब्लैक शैडो। तो देख सकते हो हमारा जो फोटो है फोटो में ब्लैक शैडो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो फोटो है या फोटो में इफेक्ट ऐड करेंगे, तो फोटो में इफेक्ट ऐड करने के लिए एक बार बैक हो जाना और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। और देखो यहाँ पर जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिर उसको टच करने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद उसको बैक करना है, सॉन्ग बीट मार्क में आना है और यहाँ पर जो फोटो है ये वाला फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिर उसको टच करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो देख सकते हो फोटो में कुछ इस तरह हमारा जो इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे, तो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करने के लिए क्लास ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। और ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के बाद ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर को टच करना और यहाँ पर जो इफेक्ट सॉरी यार यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑप्शन यहाँ पर आ जाना और सॉरी देखो इस वीडियो का जो वॉल्यूम है वो जीरो कर देना। उसके बाद देखो ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आना होगा, लाइटिंग ऑप्शन में आना होगा और स्क्रीन कर देना। तो कुछ इस तरह यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा ब्लैक स्क्रीन वीडियो में। तो ऐसा करके दबा कर रखना होगा और जो रेक्टेंगल है उसके नीचे कर देना। देखो कुछ इस तरह यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो लेयर है एकदम एंड तक ले आना, तो एंड तक आया नहीं तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक आ जाना, टाइमर ऑप्शन को टच करके ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो एकदम एंड तक आ जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको लिरिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको सॉन्ग को प्ले करके सुनना पड़ेगा। तो देखो मैं थोड़ा सुना देता हूँ, तो सॉन्ग को सुनने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना और इधर से लिरिक्स को लिख लेना। तो मेरा पहले से लिखा है, मैं उधर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है ये लिरिक्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट करके रख लेना और फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से
एलआईडी मशीन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन को टच करना, रोबोट रेगुलर ऑप्शन में आ जाना और ये फोन को ऐड कर लेना। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और एलआईडी मशीन में इनपुट करके ये फोन को ऐड कर लेना। जो ग्रीन डॉट है, ग्रीन डॉट को थोड़ा ऐसे करके खींच लेना और जो 18 PD ऑप्शन है पर टच करना होगा और इसका जो साइज है आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और ये जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना और इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना, दोबारा टिक ऑप्शन को टिक करना, मूव वाला ऑप्शन में आना है और नीचे जहाँ रखना चाहते हो उधर ये लिरिक्स लेयर को रख देना। उसके बाद एक बार बैक करना है एकदम एंड तक, इसका जो लेयर है वो ले आना। उसके बाद दोस्तों ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से ऐसा करके मिडिल कट कर लेना, देखो एकदम एंड तक। एकदम एंड तक ऐसा करके मिल कट कर लेना। उसके बाद देखो हमारा जो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो तो ऐड हो चुका है, तो सेकंड लिरिक्स ऐड करेंगे। तो सेकंड लिरिक्स ऐड करने के लिए फिर से सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना, देखो तो सॉन्ग को सुनने के बाद ये लिरिक्स लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में देना और ऐसा करके हटा देना। उसके बाद फिर से एलाइड मोशन में आ जाना और देखो सेकंड लाइन को कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से एलाइड मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद दोबारा टिक ऑप्शन को टिक करना, तो ऐसा करके एकदम एंड तक आप लोग लिरिक्स को लिख लेना। और लिरिक्स ऐड करना हो जाने के बाद एक बार बैक करना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना और इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो यहाँ पर जो मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक करना है, सॉन्ग बीट मार्क में आना है और यहाँ पर जो लिरिक्स है ये लिरिक्स में ये इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो लिरिक्स लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर लिरिक्स में इफेक्ट को ऐड कर लेना एकदम एंड तक। और लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करना हो जाने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, देखो आगे आ जाना, क्लास ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और दोस्तों देखो यहाँ पर जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है। देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर को टच करना, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आने के बाद स्क्रीन कर देना। उसके बाद फास्ट में आ जाना, क्लास ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और देखो ये वाला जो पिंजी बॉर्डर है ये वाला पिंजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। उसके बाद इसका जो लेयर एकदम एंड तक ले आना कुछ इस तरह करके। तो दोस्तों ऐसा करके आप लोग स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को सेव कर लेना। तो वीडियो को सेव करने के लिए देखो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।